सो फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं फ्लैशबैक में हमारे स्टार्टिंग ऑफ क्लास 12 में. ठीक है, तो गाइस हमने जो है क्लास 11 में तो क्योंकि गाइस हम जो है क्लास 10th अलग स्कूल से किया था और क्लास 11th के लिए हम जो है अलग स्कूल गया है. बेसिकली हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का हायर सेकेंडरी में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में. तो वहाँ में जो है गाइस क्लास 11th में तो इतना भी कोई फ्रेंड्स साइकिल नहीं बना, जिस कारण से हम लोग जो है शांति शांति से क्लास 11 गुजर गया. ठीक है, तो रही बात क्लास 12 का, तो क्लास 12 में गाइस हम जो है स्टार्टिंग करते हैं. ठीक है, और थोड़ा क्लास 12 में जैसे आया तो हम लोग को जो अंदर के अंदर में जो है थोड़ा सा सीनियरिटी का वाला फीलिंग भी आता है. राइट, तो सीनियरिटी वाला फीलिंग भी था मन ही मन. तो ऐसा करके जो है थोड़ा सा फ्रैंक हो गया आदमी लोग से, इसका कारण से थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया, फ्रेंड साइकिल थोड़ा बढ़ने लगा. ठीक है, तो ऐसे करके जो है फ्रेंड साइकिल भी बढ़ गया. ठीक है, और खूब सारा मस्ती करने लगा. इस बीच जो है हम लोग का जो है मिड टर्म एग्ज़ाम आया. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी दिया. ठीक है, तो वहाँ तक ठीक ठाक चल रहा था. लेकिन क्लास, ये जो मिड टर्म का एग्ज़ाम था ना, मिड टर्म वाला एग्ज़ाम तक भी हम लोग जो है बहुत मेहनती था. ठीक है, क्योंकि 11 में भी हम लोग ने मेहनत थोड़ा सा किया था, हालांकि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मेहनत किया था. लेकिन उसका ही थोड़ा सा आदत था, हम लोग ने जो है वहाँ तक किया. ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम तक, ये क्लास 12 का मिड टर्म एग्ज़ाम तक भी हम लोग ने थोड़ा सा मेहनत किया. ठीक है, हालांकि उसमें बहुत पोर परफॉर्मेंस था, लेकिन भी किया, थोड़ा सा मेहनत किया हम लोग. ठीक है, लेकिन जैसे ही गाइस अक्टूबर नवंबर, जैसे जैसे विंटर आना शुरू हुआ ना गाइस, ऐसा लेज़ी फील होने लगा गाइस खुद में. ठीक है, फिर भी मेहनत कर रहा था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, अलग के जैसे कंपेयर, अलग का कंपेयर में जो है बहुत नेग्लेजिबल मेहनत करते हैं, फिर भी थोड़ा कुछ मेहनत कर रहा था. इस बीच में जो है ना गाइस, थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू था. ठीक है, और बहुत सारा सोशल डिस्ट्रैक्शन था, एंड ऐसे करके जो है बहुत बहुत डायरेक्शन से, मेनली मल्टी डायरेक्शन से गाइस हम लोग को जो है प्रेशर आने लगा गाइस बहुत. पहला तो विंटर का वो कंबल का बाहर निकलने के मन नहीं करता. ठीक है, विंटर का वो प्रॉब्लम. दूसरा मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से आप कनेक्ट कर सकते हैं. और तीसरा जो है गाइस हेल्थ प्रॉब्लम, मेरा खास करके मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा था. तो ऐसे करके गाइस मेरा पास जो है मल्टी प्रॉब्लम आ गया. ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल प्रॉब्लम आ गया गाइस. ऐसे करके जो है हम थोड़ा सा इधर उधर हो गया था. 11 दिसंबर का एंड में हम लोग ने क्या किया, प्री बोर्ड लिया. दिसंबर का एंड में हमने प्री बोर्ड दिया. ठीक है, प्री बोर्ड में भी पास मार्क, ज़्यादा से नहीं पास मार्क मिल रहा था. ठीक है, तो बहुत घबरा रहा था. और हमने सोचा चलो जनवरी से मेहनत करते हैं. ठीक है, जनवरी आया, मेहनत नाम का कुछ नहीं हुआ. हम सोचा चलो जनवरी से हम लोग जो है कोई भी मोबाइल वोबाइल रिचार्ज नहीं करेगा, पूरा लग जाएगा बोल के हमने सोचा. फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, मोबाइल रिचार्ज खत्म हुआ, दो दिन बैठा नहीं रिचार्ज करना ही पड़ेगा, मोबाइल से बिना मोबाइल के काम भर ही नहीं पाएगा, ये फीलिंग्स आने लगा. और मोबाइल रिचार्ज किया, फिर सारा वही डिस्ट्रैक्शंस, वही बात, वही काम, फिर डिस्ट्रैक्ट होने लगा. फिर हमने वो किया, फिर जनवरी भी ख़त्म होने वाला था, तो पूरा वो हो रहा था. फरवरी से होता हम लोग का एग्ज़ाम, तो ऐसे करके फरवरी आया. फरवरी में भी वही फीलिंग आया गाइस. और एंड में गाइस जब फरवरी, कल जैसा एग्ज़ाम था उस दिन जैसा भी यही फीलिंग था, कुछ नहीं बदला गाइस, कुछ नहीं बदला. हालांकि नवंबर तक हम जो थोड़ा सा मेहनत कर रहा था, उसके बलबूते में हमने जो एग्ज़ाम दिया वो इसे ही दिया गाइस. इवन आई हैव नॉट कम्प्लीट माई सिलेबस टू. हमने सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं किया था एक्चुअली में बोल रहा हूँ, ये जो क्लास 12 बोर्ड देने के लिए मैंने अपना सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं किया था. इवन तो जो मैंने फर्स्ट टर्म के लिए जो पढ़ा था उसको रिकॉल किया, और टर्म टू के लिए जो थोड़ा मोटा एक दो चैप्टर इजी चैप्टर उसको देख के हमने ये बोर्ड दिया था. और उसमें से मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन भी सेफ स्कोर मैंने कर पाया, वही अच्छा बात है. तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है आप लोग को कि जूनियर्स अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि वेट मत कीजिए गाइस, वेट मत कीजिए
कि कल से परसों से और दिसंबर के एंड से पढ़ूंगा, जनवरी के एंड से पढ़ूंगा, ना। और जो यूट्यूब में जो है बहुत सारा बोलते हैं, हमने भी 2 महीना में पढ़ के दिया, 3 महीना पढ़ के दिया। नहीं गाइस, विंटर होते होते और जब हम लोग का टाइम होते होते एग्ज़ाम का, इंसान जो है लेज़ी हो जाता है गाइस। तो वही बात मैंने थोड़ा सा फर्स्ट टर्म के लिए जो देखा था उसको फिर मैंने रिकॉल किया, जैसे तैसे मैंने रिकॉल किया, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन बहुत हुआ गाइस, ये जब जनवरी फरवरी मंथ होते हैं ना, न्यू नया नया साल जब आते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं। इसलिए गाइस, अगर आप भी जूनियर देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस, आप जो है ऐसा कीजिए, प्री प्लान कीजिए गाइस, ठीक है। प्री प्लान कीजिए, आपको जो है स्कूल का स्ट्रेस पर नहीं चलना है। स्कूल का ये मैं नहीं कहूँगा कि आप जो अगर स्ट्रिक्ट स्कूल में चल रहे हैं तो आप जो स्कूल का रूटीन के हिसाब से चलिए, लेकिन आप जो है थोड़ा सा फ्री स्कूल में है तो प्लीज़ आप जो है अपने हिसाब से चलिए, खुद प्लान कीजिए। ये चैप्टर, ये महीना तक ये चैप्टर करूँगा, ये महीना, और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये वीडियो का यही मकसद था कि आप जो है अपना 12th को जो है ईजी ना लें, सीरियस लें। और रही बात एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम में जो है गाइस मैंने भी कोई खास उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस पेपर दे के ऐसे आया था, मतलब कुछ खास नहीं किया था मेरे हिसाब से, फिर भी हमको जो है सेफ स्कोर मिला। इससे ये पता चलता है कि आप जो है ज़्यादा भी एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस ना ले, आप जो है नेक्स्ट साल जो भी एग्ज़ाम अपेयर करने वाला है वो लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग भी कूल माइंडेड के साथ जो है आप सिंपल तरीके से जितना आप पढ़ रहे हैं उसको ही अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। बेवजह डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, और अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो भी उसको लेके फिर स्ट्रेस नहीं करना है, ठीक है। कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गया तो हो गया, उसको लेके फिर स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा सीरियस ना होते हुए गाइस, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है प्लीज़, अगर मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि गाइस हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। सो चलिए, आज जो रात होने वाला है, शाम हो गया, तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।